30 फीट बुलंद ऊंची लहरें वहां सामने से उठती हुई किनारे की तरफ आ रही हैं। इनकी जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि किसी को भी अपने साथ जो है वो बहाकर ले जाए उनके ऊपर तक। ओह गॉड, आप समंदर की हालत देखें। बस तूफान सिर्फ कराची से 330 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी भी उस किनारे तक लहरें नहीं गईं जहां किनारे तक ये लहरें उठती हुई पहुंच रही हैं। काफी सारे हट यहां पर जो है टूट गए, हटों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा रोडों पे भी जो है ना पानी ऊपर गया, उसके साथ मिट्टी भी लेके गया। समंदर कभी भी जो है ना गर्म हवा नहीं देता है, ये गर्म हवा की अलामत तूफान की अलामत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महामजरा नाजिन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल सैंड स्पिट बीच पर और आप मेरे अकब के मनाजिर देखें और इस मनाजिर को देख के अंदाज़ा लगाएं कि ये समंदर जो है वो इस वक्त किस कदर बिपरा हुआ है। मैं अपने कैमरे मैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रा ये लहरों की ऊँचाई और लहरों की तेज़ी ज़रा दिखाएँ कि इस वक्त कराची के साहिलों के जो हालात हैं वो किस कदर बिगड़ चुके हैं। 30 फीट बुलंद ऊंची लहरें वहां सामने से उठती हुई किनारे की तरफ आ रही हैं और इनकी जो रफ्तार है वो इतनी तेज़ है कि किसी को भी अपने साथ जो है वो बहाकर ले जाए। कराची के तमाम साहिलों पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम शहरियों को साहिल पर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदियाँ मौजूद हैं। अगर कोई भी शहरी ज़बरदस्ती साहिल की तरफ आ रहा है या आने की कोशिश कर रहा है तो उसको गिरफ्तारी की वार्निंग दी जा रही है, क्योंकि ये लहरें जो हैं वो किसी की भी जान नहीं बख्शेंगी। इस वक्त आप समंदर की हालत देखें कि आप अगर वो सामने के हालात देखें तो उस वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो 30 फीट जो है वो ऊँची लहरें हैं जो उठकर यहां तक आ रही हैं और 170 किलोमीटर फी घंटा हवाएं, आप समझते हैं कि 170 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं जो इस वक्त इन लहरों को यहां पर खींचती हुई लेके आ रही हैं। और इस वक्त अगर तूफान के बारे में आपको बताया जाए तो तूफान सिर्फ कराची से 330 किलोमीटर की दूरी पर है। जो बाइपर ज्वाय नामी तूफान जो इस वक्त पूरे कराची शहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का बाइस बना हुआ है, बहुत बड़ा खौफ का बाइस बना हुआ है, वो कराची शहर से सिर्फ 330 किलोमीटर दूर रह गया है। अभी तक कहा यह जा रहा है कि कराची को जो है वो नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँच सकता, लेकिन जिस तरह समंदर के हालात हैं, अगर वो तूफ़ान कराची के साहिल से टकराता है तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कराची इस बार महफूज रह पाएगा। आप सिर्फ 2 मिनट इस शोर को महसूस करें, ये शोर आम दिनों में नहीं होता, समंदर की ये हालत आम दिनों में नहीं होती। जून जुलाई का वो शदीद गर्मी का महीना होता है जिसमें कहते हैं कि समंदर सबसे ज़्यादा जो है वो चढ़ जाता है। उस महीने में भी जहाँ तक इस पानी की समंदर की लहरें जा रही हैं, कभी भी उस किनारे तक लहरें नहीं गईं जहाँ किनारे तक ये लहरें उठती हुई पहुँच रही हैं। ये जो शोर आप समंदर का सुन रहे हैं, ये आम दिनों में आपको कभी भी ये शोर सुनने को नहीं मिलेगा। जिस तरह इस वक्त समंदर सफ़ेद हुआ हुआ है, क्योंकि रफ्तार लहरों की जो है वो बहुत तेज़ है, जिस वजह से समंदर में जो है वो बेतहाशा झाग जो है वो बन रहे हैं। और आप ये देखें ज़रा लहरों की आप हालत देखें कि तसव्वुर करें, अल्लाह ना करे अगर ये समंदर जो है वो तूफ़ान से जाके मिल गया तो कराची शहर का जो है वो कोई भी जो है ना पुरसाने हाल नहीं होगा और कराची शहर जो है वो सिर्फ एक याद बन कर रह जाएगा। रेस्क्यू टीम से मोहम्मद नसीर मेरे साथ मौजूद हैं। नसीर भाई, बताइएगा कि समंदर की जो इस वक्त हालत है वो आम हालत नहीं है, आम दिनों में समंदर जो है वो इस कंडीशन में नहीं होता, ये तेज़ लहरों की वजह से, ये तेज़ हवाओं की वजह से इस वक्त यहाँ पे नुकसानात क्या क्या हो चुके हैं? देखिए, काफ़ी सारे हट यहाँ पर जो है टूट गए हैं, ठीक है, हटों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा रोडों पे भी जो है ना पानी ऊपर गया, उसके साथ मिट्टी भी लेके गया। रोडें बंद थी, कंट्रोल बोर्ड नेवी ने पीछे रोड क्लियर भी करवाई है, रोड बंद हो गई। आवाम के लिए यहाँ पे जो है ना तहफ़ के कौन कौन से जो है ना सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है? देखें, हम तो बीचेस के लाइबर्ट हैं, बीचेस पे ड्यूटी करते हैं, अगर कोई आगे पीछे कोई मसला मिसाइल हो गया तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, हमारे पास स्पीड बोटें वगैरह भी हैं, वो सब चीज़ें तैयार है, लाइफ गार्ड भी हमारे साथ। अच्छा, वैसे समंदर की जो सब हालत है, ये आम दिनों में भी ऐसी हालत होती है? नहीं नहीं नहीं, आम दिनों में नहीं, ये समंदर कभी भी जो है ना गर्म हवा नहीं देता है, हमेशा समंदर से ताज़ी ठंडी हवा आती है, ये गर्म हवा की अलामत तूफान की अलामत होती है। इस वक्त जो है वो कराची के जितने भी साहिल हैं उन सब साहिलों का इसी तरह का कुछ हाल है। हॉग्स बे हो गया, सैंड स्पिट हो गया, टर्टल बीच हो गया, फ्रेंच बीच हो गया, जितने भी बीचेस हैं वहाँ पे इस वक्त पानी जो है वो अपने काबू से बाहर हो चुका है। आप मेरे अकब में मुस्तकिल जो है वो समंदर का शोर
और समंदर की जो ऊंची लहरें हैं उनको महसूस कर सकते हैं। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो है वो समंदरी तूफान इस वक्त 330 किलोमीटर कराची से दूर रह गया है। कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। शहर कायद समेत साहिली इलाकों में असरात भी नमूदार होने लगेंगे। न्यूज़ के मुताबिक भी बहरिया अरब में बनने वाला तूफान बेपर जो है पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की जानी बढ़ रहा है और इसका फासला कराची से सिर्फ 350 किलोमीटर बल्कि अब अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो 330 किलोमीटर रह गया है। एनडीएम के मुताबिक समंदरी तूफान केटी बंदर से 300 किलोमीटर और ठट्टा से 360 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद है, जो कल दोपहर शुमाल मगरिब की जानिब केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। बिपरा हुआ बेपर ज्वाय जू जू साहिल के करीब बढ़ता जा रहा है। समंदर के बिपड़ने के साथ साथ कराची की आवाम का खौफ भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तूफान के मरकज के अतराफ में उठने वाली 30 फीट ऊंची लहरें और 170 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं खतरे की घंटी बजा रही हैं। सिंध के इजला थरपारकर बदीन थजावल ठट्टा में आंधी और शदीद बारिशें गजब ढा चुकी हैं। तूफान के असरात गुज़िश्ता शाम से ही नमूदार होना शुरू हो गए थे, जो वक्त गुजरने के साथ साथ शदीद होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता शाम सुपर हाईवे पर तूफानी हवाओं ने भी गाड़ियां हिलाकर रख दी। केटी बंदर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि साहिली पट्टी से लोगों को महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। तूफान के आमद से कबल बदीन के साहिल पर भी हलचल मच गई है। डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने जुमेरात को कराची में तेज आंधी और तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इब्तदाई 2 घंटे खतरनाक हो सकते हैं और ये बारिश वक्फे से हफ्ते तक जारी रह सकती है। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सीवीयू के एतराफ में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और दो दरिया और साहिल की तरफ जाने वालों को रोका जा रहा है। इवन के जो रोड हॉक्सबे की तरफ आ रहा है, सेंट स्पीड बीच की तरफ आ रहा है, फ्रेंच बीच की तरफ आ रहा है, वहाँ पे भी जो है वो मुकम्मल तौर पे कंटेनर्स लगा के रास्तों को बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी किसी का भी जानी नुकसान ना हो। क्योंकि कराची की आवाम जो कहते हैं वो कहते हैं कि थोड़ी रंगीन होती है, वो इस तरह के माहौल को जो है ना महसूस और देखना चाहती है, लेकिन वो इस बात से आश्चर्य नहीं होते कि उनकी ज़रा सी तफरी जो है उनकी मौत का बायस भी बन सकती है। तूफान से ठट्टा का शहर केटी बंदर सबसे ज़्यादा खतरे में है। साहिल पर तेज़ हवाओं के साथ समंदरी लहरें ऊँची हो रही हैं। 13,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। नदीन, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये अपडेट दी जा रही है कि कल यानी जुमेरात के दिन कराची में तेज़ हवाओं के साथ आंधी के साथ शदीद बारिशों का जो है ना इम्कान बताया जा रहा है और तूफान जो है वो सिर्फ 330 किलोमीटर कराची से दूर रह गया है और समंदर की जो हालत है इस वक्त काबू में नहीं है। समंदर पूरी तरीके से बिपरा हुआ है और कल जब तेज़ आंधी चलेगी या तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी होगा तो मज़ीद जो है जो हालात हैं वो बिगड़ने के असरात नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं सेंट स्वीट बीच पे मौजूद हूँ। मैंने आपको बताया कि आप अगर मेरे सामने की तरफ काफ़ी सारे हर्ट्स मौजूद हैं, अगर क्योंकि उस साइड पर हम जा नहीं सकते, यहाँ की जो रेस्क्यू टीम्स हैं और जो समंदर की हालत है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि हम उस तरफ जाएँ और अपनी जान की बाजी लगाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो है वो समंदर तकरीबन जो हर्ट्स हैं वहाँ तक पहुँच चुका है और लहरों की तेज़ी और लहरों का जोर इतना शदीद है कि जो वहाँ पे हर्ट्स मौजूद हैं वो भी लहरों का शिकार बन चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 हर्ट बताए जा रहे हैं जो मुसलसल जो है वो लहरों के टकराने की वजह से टूट फूट का शिकार हो गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखा सके तो सामने जो हर्ट्स मौजूद हैं समंदर की लहरें जो है वो उनके ऊपर तक बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जो है वो उनके ऊपर तक। ओह गॉड, आप समंदर की हालत देखें, बस समंदर की लहरें जो हैं वो उन हट्स के ऊपर तक आ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो हट्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हालत खस्ता हो चुकी है और जो है ना हट्स काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो गए हैं। और नाज़रीन, बस इस वक्त जो है वो हालात कुछ ऐसे हैं कि कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरे का सामना है। ये बायपर नामी जो ये तूफ़ान आ रहा है, बायपर जुआए, ये बहुत बड़ा ख़तरे का बायस बन सकता है कराची शहर के लिए। कराची शहर की तारीख में एक बात जो है वो कही जाती है कि तूफ़ान जब भी कराची का रुख करता है तो अजगैबी कोई मदद ऐसी होती है कि तूफ़ान का रुख जो है पलट जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी यही मुआवजा जो है वो कराची की आवाम के लिए और इस शहर के लिए मददगार साबित हो और कराची शहर इस तूफ़ान से महफूज रहे।